पाकिस्तान पहुंच गई है इंग्लैंड में और खेला जाएगा पहला वनडे इंटरनेशनल, जहां पे इंग्लैंड की एक डिप्लीटेड साइड उनका वेलकम करेगी इस फर्स्ट ओडीआई में। इस वीडियो को एंड तक देखिए तो आपको मिलेगा इस मैच के लिए अल्टीमेट फैंटेसी एनालिसिस, और अगर वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको मिलेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस, डिफरेंशियल प्लेयर्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप लोग नहीं जानते होंगे, तो वो सारा इंफॉर्मेशन आपकी अल्टीमेट फैंटेसी एनालिसिस इस मैच को लेके हाजिर होंगे हम, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हेलो एंड वेलकम टू द फैंटेसी गली शो, मेरे साथ है कार्तिक। कार्तिक, इतने सारे वेरिएबल्स हैं इस पर्टिकुलर इंग्लैंड स्क्वाड में, जिस तरह की सिचुएशन बन गई थी उन्होंने कोई रिस्क लिया नहीं और एक बार फिर से पूरा रिवैम्प कर दिया अपना जो वाइट बॉल पूल है, बहुत सारे नए पीसेस हैं और पाकिस्तान के लिए बेहतरीन मौका कि इंग्लैंड में जाए, एक वाइट बॉल सीरीज जीते, क्योंकि मुझे नहीं लगता पाकिस्तान से कोई ये कंप्लेन करने वाला है कि ये इंग्लैंड की बी टीम या सी टीम है। एब्सोल्युटली नॉट, यू प्ले व्हाट यू गेट। आई मीन इवन अगर कोई इंडिया से भी बोलेगा कि यू आर अ बी टीम, उनको फर्क नहीं गिरता, हमें तो मैच खेलने से मतलब है। और श्रीलंका भी देख रही होगी, आई मीन मजाक मजाक में सोच रही होगी काश ये हमारे साथ हुआ होता, हम इस टीम को तो जरूर हरा देते। बट यस, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान दोनों सीरीज जीतेगी, दोनों व्हाइट बॉल सीरीज, ODI एंड T20s, दो reasons, क्योंकि उनके प्लेयर्स इन फॉर्म है, अभी हाल ही में PSL खेल के आए हैं, प्लस उन्होंने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में जाके हराया है, सो दैट इजंट एनी जोक। उन्होंने काफी एटलीस्ट उनके होम कंडीशंस में स्ट्रॉन्ग टीम को हराया है। एंड इस पे आगे बढ़ने से पहले हमारे श्रोताओं को भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, देखिए ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है आपको समझाने का या आपके समझने का भी कि कोविड को लाइटली ना ले। एश्ली जाइल्स की बातें सुने, इंग्लैंड की कोच है वो, उन्होंने कहा कि शायद हमने लाइटली लिया सिचुएशन को और थोड़ा रिलैक्स किया, हालांकि एंड में उन्होंने कहा कि ऐसा भी लाइटली नहीं लिया, लेकिन देखिए नतीजा देखिए, 9 प्लेयर 15 जन के स्क्वाड में से 9 जन को कोविड सिम्टम्स आए हैं और इसका नतीजा क्या हुआ कि पूरे स्क्वाड को ही उन्हें चेंज करना पड़ा। तो आप भी प्लीज, आप वो तो इंग्लैंड में है जहां पर सिचुएशन काफी कंट्रोल में है, इंडिया में अभी तक हुआ नहीं, जहां पे भी आप हो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आपका ख्याल रखें, मास्क पहनते रहिए, कोविड अभी तक हारा नहीं है, उसे हराना है, आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें, हाथ धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए अपने आप को, एंड प्लीज लाइफ भी एंजॉय कीजिए। यस, नाउ बाबाशीष, नाउ मूविंग ऑन टू द प्लेइंग 11, ये शायद पहली बार या FG बेस्ट 11 सॉरी, ये पहली बार ऐसा होगा कि इंग्लैंड में मैच है और हमारे फैंटेसी का भी बेस्ट प्लेयर में सिर्फ 4 इंग्लैंड के प्लेयर्स है। रीजन तो लॉजिकल है क्योंकि कोई इतना एक्सपीरियंस या इतने सारे प्लेयर्स एक्सपीरियंस है भी नहीं, आप हाथ में गिन के चल सकते हैं या उंगलियों पे गिन सकते हैं कि कौन से प्लेयर्स आप ले सकते हैं। एक कीपर बेन डकेट, अब मैं तो यहाँ पे पूछू कि क्यों बेन डकेट को ले, क्यों ना मोहम्मद रिजवान को ले, क्योंकि वो इतने अच्छे फॉर्म में है। जी जी, 4 बैट्समैन, अब सॉरी 5 बैट्समैन, उसमें से भी देखिए 2 कमबैक प्लेयर, डेविड मलान इस सीरीज में थे भी नहीं, उन्होंने पर्सनल रीजंस के लिए पुल आउट किया था, अब वो आ गए, जेम्स विंस भी आ गए। ऑलराउंडर मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको नंबर्स के साथ नहीं जाना चाहिए, सिंपली बिकॉज नंबर्स ये दर्शाता है कि बेन स्टोक्स को आप ले, बात खत्म। लेकिन बाबा भी यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं कि बेन स्टोक्स अभी अभी फिटनेस से जूझ रहे हैं, वो इसलिए इस सीरीज के कैप्टन है क्योंकि और कोई है नहीं। तो मेरे हिसाब से आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, उसके बारे में हम बात करेंगे जैसे जैसे उस लेवल पे हम आए तो, और अंत में आपके पास 4 बॉलर्स के ऑप्शन है, उसमें से भी 3 पाकिस्तान के हैं, सिंपल बिकॉज पाकिस्तान के तरफ से तो बॉलर्स ही ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। तो ये है कॉम्बिनेशन, 1 कीपर 1 ऑलराउंडर, 5 बैट्समैन और 4 बॉलर्स। मैं तो फिर भी कहूंगा कि चाहिए तो पाकिस्तान में से एक और बॉलर भी रख ले, यानी 5 बॉलर्स के साथ भी आप जा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना पिच कैसे भी हो somehow वो लोग इंग्लैंड में स्विंग मैनेज कर लेते हैं, रिवर्स स्विंग है, एंड द लाइक्स ऑफ शाहीन अफरीदी, हरिस रॉफ, ये सब प्लेयर्स हैं, फहीम अशरफ, उनका भी नाम इधर नहीं दिख रहा है, वो सब ये कंडीशंस एंजॉय करते हैं और आपको पॉइंट्स दे सकते हैं।
बिल्कुल, उनके पास ज्यादा प्लेयर्स हैं ज्यादा सिचुएशंस के लिए, और उस हिसाब से अगर वो प्लेयर रोल्स थोड़े अच्छे डिफाइन हुए हैं और पाकिस्तान जेन्युइनली अपने अबिलिटीज के साथ खेलता है, तो मैं देखता हूं ये सीरीज काफी वन साइडेड हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से। और वन साइडेड कॉन्टेस्ट फैंटेसी क्रिकेट में आपके साथ नहीं हूं, इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि आप फैंटेसी गली की एनालिसिस को फॉलो करते रहें, जो हमारी फैंटेसी गली की एल्गोरिदम है उसको चेक करें। टॉस के बाद आपको पता है कि 10 नए टीम कॉम्बिनेशंस आपको मिलते ही हैं, तो कार्तिक और मेरी एनालिसिस को सुने, टीम्स देखें क्या हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, और तो और अपनी अकल ऑन करें। अगर आप ये तीन चीजें करते हैं, हमारे वेबसाइट से जाके हमारा जो ऐप है वो डाउनलोड करते हैं, और तो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए, अगर आप ये सब करें तो हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि आप फैंटेसी क्रिकेट में कंसिस्टेंटली जीतेंगे, और आपको लास्ट मोमेंट पे ऐसे 9 डेब्यूटेंट्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब आपको बना बनाया यहाँ पे मिल जाएगा। कार्तिक आप कुछ कह रहे थे? जी, ये सब के साथ साथ आप एक और चीज भी कर सकते हैं। हमारे फैंटेसी गली वेबसाइट पे मैच इनसाइट्स करके एक सेक्शन है, आप वहां पे भी जाके अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वहां पे सब लिखा हुआ है। आपको नंबर्स में अगर इंटरेस्ट हो तो आपको नंबर्स के साथ जस्टिफिकेशन भी मिलेगा कि इसने इतने सारे मैचेस में, वैसे वही सेम चीज जो हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको रिटन प्रूफ डॉक्यूमेंटेड चाहिए तो आप प्लीज वहां पे भी जा सकते। फैंटास्टिक कार्तिक, स्ट्रेट अवे चलिए, आपने बताया कि बेन डकेट यहाँ पे एक ही कीपर है। मैं जब एडिट टीम में जा रहा था तो मैंने देखा कि क्योंकि अब देखिए पाकिस्तान के ऑलरेडी इतने प्लेयर्स आ गए हैं, और क्योंकि आप चाहते हैं शायद बोलर्स लिए पाकिस्तान से ज्यादा, इसलिए मोहम्मद रिजवान मिस आउट कर रहे हैं, और वो भी है 9 क्रेडिट के। लेकिन मैं बस एक ही चीज सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर मेरे ख्याल से तो मोहम्मद रिजवान डेफिनेट स्टार्टर होने चाहिए, अगर आप एक सेफ टीम खेल रहे हैं तो आपको मोहम्मद रिजवान चाहिए ही चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पे जो आप देख सकते हैं बल्लेबाजों में, फखर जमान बाबर आजम के बारे में ज्यादा कुछ कह नहीं सकते अभी, क्योंकि फखर जमान ऑब्वियसली आपको पता है कि क्वालिटी है, क्लास है, इंग्लैंड में बड़े स्कोर्स किए हैं, दूसरे ऑपोजिशन के अगेंस्ट बड़े स्कोर्स किए हैं, तो ये आप इनको रख सकते हैं, ये वो टेम्पलेट वाले प्लेयर हैं। बाबर आजम कैप्टन बोले जा रहे हैं, और मुझे लगता है ये पूरे सीजन में, ये पूरे सीरीज में बहुत रन करेंगे, क्योंकि ये जो बॉलिंग अटैक अभी मुझे दिख रही है ये अच्छी है, ठीक है इंग्लैंड की, लेकिन मुझे नहीं लगता ये बाबर आजम को कम्पीट कर सकती है, तो ये अपने रन बना के जाने वाले हैं, तो आप इनको रख सकते हैं, सेफ टीम में कैप्टन भी रखें। लेकिन यहाँ पे जो ये प्लेयर है हारिस सोहेल, जो प्लेयर है, प्लेयर बहुत अच्छा है, हाल ही में टेस्ट मैच में रिटर्न हुआ है, वहां पे उन्होंने अच्छा खेला है, लेकिन मेरे ख्याल से अब पहला मैच है, आप इनको अगर रहने दें और इनके जगह पे आप एक और पाकिस्तानी प्लेयर और मोहम्मद रिजवान को वहां पे लाएं, मुझे पता है कि रिजवान की क्रेडिट 9 है और हारिस सोहेल की 8.5 है, तो आपको और थोड़ी सी मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी, लेकिन मेरे ख्याल से बेन डकेट के अलावा मोहम्मद रिजवान आपके पास अगर रहे एट द स्टार्ट ऑफ द सीरीज तो ज्यादा बेटर है। और दूसरी बात, आपने मलान की बात की, मेरे ख्याल से मलान को अभी, मतलब अगर वो प्लेइंग 11 में होते हैं और आप फैंटेसी क्रिकेट टीम बना रहे हैं तो आप उनको आंख बंद करके रखना चाहिए एटलीस्ट एट द स्टार्ट ऑफ द सीरीज। अगर अभी मैंने देखा है थोड़े दिन पहले कि मलान की फॉर्म थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है, इतनी ऊपर नीचे हुई कि एक स्पेशल शो बनाया गया स्काई क्रिकेट पे, जहां पे वो लोग बात कर रहे थे कि अगर डेविड मलान नहीं चलते तो कौन खेल सकते हैं वो नंबर पे, तो आपको उनकी फॉर्म के हिसाब से थोड़े बहुत अटकले हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह के प्लेयर हैं, स्पिन अच्छा खेलते हैं, तो मैं तो मलान को भी रखना चाहूंगा। और यहाँ पे एक और प्लेयर दिख रहा है मुझे, जेम्स विंस। अब देखिए जेम्स विंस का यहाँ होना एक तरह से फुल स्टॉप लगा दिया है एलेक्स हेल्स के कमबैक को लेके, तो जेम्स विंस के पास एक डेफिनेट मौका है टू प्रूव अ पॉइंट एंड से कि यहाँ पे ये जो स्लॉट है शायद ये टॉम बैंटन को मिलता, लेकिन क्योंकि वो भी शायद वो थोड़े कोविड के चक्कर में रुक गए हैं, तो मेरे ख्याल से आप जेम्स विंस को ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास यही एक मौका है और वो शायद थोड़ा सा टाइम लेंगे, एग्रेसिव खेलेंगे शायद, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेंगे क्योंकि उनको बड़े स्कोर्स खड़े करने हैं। दिस इज हाउ आई लुक एट दीज 5 बैट्समैन। इनके अलावा अगर आप किसी को थोड़े डिफरेंशियल पिक है अगर आपके पास कोई? नो नो, बैट्समैन प्रेटी मच सॉर्टेड है।
जहां तक जेम्स विंस है, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि सिडनी सिक्सर्स के साथ थे वो 2020-21 यानी लेटेस्ट जो ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक बिग बैश सीजन होता है, वहां पर फाइनल में पहुंचने तक उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। 8.1 की फैंटेसी गली रेटिंग है, 9 की क्रेडिट्स है, आपकी मैथमेटिक्स बराबर है कि अगर आपको रिजवान को अंदर लाना है तो आपको 9 या उसके आसपास एक क्रेडिट वाले प्लेयर को लेना होगा। लेकिन उसका मेरे पास एक सोल्यूशन है, क्योंकि अभी बैट्समैन के बाद हम बढ़ रहे हैं ऑलराउंडर की तरफ। जी बिल्कुल, और बिल्कुल। अगर हम ये मान के चले कि आप ये रिस्क उठा सकते हैं कि बेन स्टोक्स को ना ले, जी हाँ रिपीट माय सेल्फ, बेन स्टोक्स को ना ले, तो देखिए आपकी क्रेडिट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि उनकी क्रेडिट है 10। मानता हूं आग जल रही है उनके स्किल के अगेंस्ट, उन्होंने लास्ट ये फॉर्मेट के हिसाब से अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन इंजरी जो है ना वो सिस्टम कंसिडर नहीं करती ना, सिस्टम को कैसे पता कि आपकी बॉडी कैसे बिहेव कर रही है। तो उसके लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, एक तो फहीम अशरफ, मतलब अगर यूके में खेलना हो तो फहीम अशरफ इज अ कंपल्शन, क्योंकि वो बॉल को दोनों तरफ स्विंग करा सकते हैं, इनका भी 9 का क्रेडिट है, 7.5 की फैंटेसी गली रेटिंग है, लेकिन ये अच्छा कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको इंग्लैंड से ही प्लेयर लेना है तो एक और एक बड़ा नाम है, इधर नहीं लेकिन जो बिग बैश में बड़ा नाम आया था, ब्रिस्बेन हीट के लिए खेल रहे थे, लुइस ग्रेगरी, इनका भी क्रेडिट 9 है, 7 की फैंटेसी गली रेटिंग है, लेकिन ये जो है ना वो बिग बैश खत्म होते होते इन्होंने अपना एक वर्चस्व एस्टैब्लिश किया था, स्थापित किया था, कि आते थे नंबर 5 या 6 पर रन बना देते ताबड़तोड़ और फिर बॉलिंग में भी 2-3 विकेट चटकाते थे, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। और अगर आपको एक लेसर प्लेयर का क्रेडिट चाहिए तो मैं समझता हूं एक इनएक्सपीरियंस्ड बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट आपके पास एक लेग स्पिनर होना चाहिए, और वो है शादाब खान, 8.5 की क्रेडिट, 7.1 की फैंटेसी गली रेटिंग है। अब शादाब खान भी थोड़े ऊपर नीचे रहे हैं अपने फॉर्म के हिसाब से, बीएसएल को काफी मार खाई थी, लेकिन अब देखिए सामने चट्टान नहीं है, सामने थोड़े लोअर लेवल की टीम है, आप इनको अपने टीम में डेफिनेटली ले सकते हैं, जिस तरह आदिल रशीद ने श्रीलंका को नचाया था T20s में, उसी हिसाब से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शादाब खान सामने वाली टीम को नचा सकते हैं, ये हमारा ख्याल है। बाकी इनके अलावा कोई और ऑलराउंडर आपके नजर में हो बाबा? नहीं, मैं मेरे ख्याल से यही है। एक अगर इंग्लैंड की तरफ से आप प्लेयर ले रहे हैं और एक आप ऐसी टीम बना रहे हैं जो आपकी डिफरेंशियल पिक होगी ग्रैंड लीग की पिक्स के बारे में अगर बात करें, तो ये ऑप्शन बुरा नहीं है। क्रेग ओवरटन की बात कर रहा हूं मैं, जिस तरह की इनकी एक राइज देखी है मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में, मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्रेग ओवरटन द प्लेयर, क्योंकि बॉलिंग में तो नो डाउट कंट्रीब्यूट करते हैं, विकेट्स लेते हैं विद द न्यू बॉल, मिडल ओवर्स में आके बॉलिंग करते हैं, लेकिन बैटिंग में भी अच्छी खासे बल्लेबाज है। मुझे याद है एक टेस्ट मैच खेल रहे थे क्रेग ओवरटन, जहां पे विकेट्स गिर रही थी दूसरे एंड से, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट थी वो, 2017-18, और वहां पे जाके एक जो अपने जिगर दिखाना और बड़े दिल के साथ शॉट्स खेलना, वो चीज जो मुझे वो क्रेग एवर्टन में दिखती है कि अगर स्टेज बना हो तो यहाँ पे जाके वो परफॉर्म करते हैं, और उनको पता है कि मैं ऐड करना चाहूंगा कि वो जो आप पारी की बात कर रहे हैं, उस पारी में मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, ये दोनों ने उन्हें बहुत मारा था, मारा था शॉर्ट बॉल डाल डाल के ना उनके उन्हें चोटिल कर दिया था, वो बैटिंग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 2 घंटे बैटिंग की और उसके बाद एंड में आउट हुए, LBW आउट हुए थे शायद, लेकिन आपने सही कहा, वो फाइटर है एक तरह से, फाइटर है बिल्कुल, तो इसीलिए। और मुझे लगता है कि ये सारे जो कैरेक्टर्स है ना, ये वेट करते हैं एक क्राइसिस का, और ये डेफिनेटली एक क्राइसिस है इंग्लैंड क्रिकेट के लिए, तो शायद क्रेग ओवरटन कुछ अच्छा कर जाए आपके लिए ग्रैंड लीग में। लेकिन जिस पॉइंट पे आपने खत्म किया कार्तिक, मैं उसी पॉइंट को पिक करूंगा एज फार एज आवर बोलर्स आर कंसर्न। लेकिन उससे पहले एक और अनाउंसमेंट, जो जितने भी भाई बहन हमारी फैंटेसी क्रिकेट खेल रहे हैं, देखिए हम जो एनालिसिस कार्तिक और मैं यहाँ पे आपको अपने यूट्यूब पे देते हैं, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। बाकी जगह पे आपको सिर्फ लोग आपको बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे, आपको प्रॉमिस करेंगे कि आप ये आपको जिता देंगे, वो आपको जिता देंगे, हम ऐसा कुछ प्रॉमिस आपको नहीं करते हैं।
हम आपको टू आर बेस्ट पॉसिबल नॉलेज हम आपको इन्फॉर्म करते हैं, हम आपको वैसे कॉम्बिनेशन देते हैं, और फिर हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उस नॉलेज को लेके अपनी अकल ऑन करें और अपने स्टाइल के हिसाब से कॉन्टेस्ट खेलें। तो देखिए, अगर आप क्रेग ओवरटन को ले रहे हैं तो आप उनको सेफ टीम में नहीं लेंगे, आप उनको एक हाई रिस्क टीम में लेंगे, अपने ग्रैंड लीग टीम में, क्योंकि बाकी लोग शायद उनको न ले। तो ऐसी एनालिसिस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। वेबसाइट पे जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी जो अल्टीमेट फैंटेसी एनालिसिस है वो आपको अपने फोन पे हमेशा मिल जाएगी। कार्तिक, जिस पॉइंट के बारे में मैं बात कर रहा था वो ये है कि ये इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप इतनी इनएक्सपीरियंस है कि मैं चाहूं तो एक नहीं दो लेग स्पिनर खिला लूं। Exactly. ये बस दिस इज हाउ आई थिंक अबाउट इट कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान शुडंट रियली फियर पिकिंग उस्मान कादिर। अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, जिम्बाब्वे के साथ जो घर पे सीरीज खेली थी वहां पे उनको गेम्स मिले थे, इन्होंने तो मतलब पीएसएल में इनको मौका इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि शायद ताहिर सेम टीम में थे और दो लेग स्पिनर वो नहीं खिलाना चाहते थे, लेकिन उस्मान कादिर जो है वो रेडी प्रोडक्ट है। मुझे नहीं लगता उनमें अभी, देखिए लेग स्पिनर चालू करता है तो एक दो बैट बॉल्स आपको मिलेंगे, लेकिन इनकी जो वेरिएशंस है मुझे नहीं लगता द लाइक्स ऑफ बेन डकेट या जेम्स फिंस अब इनको ज्यादा पता होगा, और हो सकता है कि अगर इनको मौका मिले तो मैं अगर अपनी टीम बना रहा हूं मैं तो उस्मान कादिर को डेफिनेटली टीम में रखूंगा, क्योंकि अगर ये 6-7 ओवर भी डालते हैं तो उसमें भी आपको विकेट लेके देंगे। और एक बात, हम मॉर्गन के बारे में बात कर रहे थे जब इंग्लैंड श्रीलंका की सीरीज आई थी, मॉर्गन ऐसा सोचेंगे कि इस तरह की टीम है, वही तो बाकी सारे टीम्स भी सोचेंगे ना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स नवंबर में है और ये आपका प्रीलिम्स चालू है, तो अगर आप यूएई के पिचेस पे उस्मान कादिर को खिलाने वाले हैं क्योंकि वो स्लो ट्रैक है, आप सडनली तो उसे लेके आके ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको विकेट लाके दे, आपको उन्हें कॉन्फिडेंस तो देना पड़ेगा। तो इस सीरीज से बेटर या फिर ये 6 मैचेस से बेटर, 3 ODIs और 3 T20 से बेटर कोई है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर वो मार भी खाए तो भी कुछ तो अच्छा आपको पॉजिटिव दिखाई देगा, नहीं तो एटलीस्ट एक डिसीजन तो ले सकते हैं कि उन्हें स्क्वाड से निकालना है या फिर रखना है। आप ये तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि इंग्लैंड में कादिर नहीं चलेंगे, हम उन्हें यूएई में लेके आएंगे जब वर्ल्ड कप होगा और फिर वर्ल्ड कप पे एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा और वो परफॉर्म नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली उस्मान कादिर एंड शादाब खान दोनों को ले। बिल्कुल, और ये फैंटेसी क्रिकेट एनालिसिस ये मैच के लिए तो नहीं है, लेकिन एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि मुझे ऐसा लगता था कि यासिर शाह के साथ थोड़ी बहुत ज्यादती हुई कि उनको एक स्टार्ट एंड स्टॉप दिया गया इन द लास्ट 2 ईयर्स, कभी खिलाते थे कभी ड्रॉप कर देते थे, फिर कभी खिलाते थे फिर ड्रॉप कर देते थे, तो ऐसा जब आप एक लेग स्पिनर के साथ करते हैं तो उनका रिदम टूट जाता है, लेग स्पिन इज ऑल अबाउट रिदम, तो आप चाहेंगे कि उस्मान कादिर को ज्यादा से ज्यादा गेम टाइम मिले और शादाब खान क्योंकि अपनी बैटिंग एबिलिटी से आपको पॉइंट्स दे सकते हैं तो वो पाकिस्तान के हिसाब से शायद एक एज एन ऑलराउंडर खेले, यहाँ पे डेफिनेटली वो एज एन ऑलराउंडर भी स्लॉटेड इन है, तो इवन जो टीम्स पिक कर रहे हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपके बॉलर्स में दो लेग स्पिनर्स हो रहे हैं, आपका एक ऑलराउंडर लेग स्पिनर है, आपका एक बॉलर भी लेग स्पिनर आ जाता है। चलिए बॉलर्स के बारे में ही कंटिन्यू करते हैं। सॉरी बाबा जी, सिर्फ एक बार ऐड करना चाहूंगा क्योंकि आपने यासिर शाह की बात की, प्रॉब्लम क्या है ना, इंडिया बांग्लादेश श्रीलंका और पाकिस्तान ये चारों कंट्रीज में ना जो लेटेस्ट सीरीज होता है उस हिसाब से या लेटेस्ट डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है उस हिसाब से प्लेयर्स को पिक किए जाते हैं। आई मीन दिस इज अ जोक, आप इंडियन T20 लीग के परफॉर्मेंस के हिसाब से एक टेस्ट स्क्वाड में एक प्लेयर को जगह दे रहे हैं, ठीक है उसने अच्छा किया नहीं किया बट दैट कांट बी योर बेसमेंट, मतलब वो जज हो ही नहीं सकता। सो फॉर एग्जाम्पल चेतेश्वर पुजारा अगर इंडियन T20 लीग नहीं खेलते तो क्या वो टेस्ट नहीं खेल सकते? सिमिलरली उस्मान कादिर भी अब उनकी स्क्वाड में प्रेजेंस या एब्सेंस उनके पास्ट सीजन के हिसाब से डिसाइड करेगी, लास्ट ओडिया या लास्ट T20 नहीं लेकिन लास्ट PSL सीजन। ये मेरे हिसाब से प्रॉब्लम है ये चार एशियाई टीम्स की, कि वो ये सब देखते हैं कि उन्होंने बंगबंधु ढाका प्रीमियर लीग में कैसे किया, इंडियन T20 लीग में कैसे किया, लंकन प्रीमियर लीग में कैसे किया या PSL में कैसे किया, लेकिन ओवरऑल भी तो कुछ होता है।
यही हुआ है यासिर शाह के साथ। अब क्योंकि यासिर शाह पीएसएल नहीं खेलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब ये पकड़ के चल दिया है कि यासिर शाह सिर्फ एक लॉन्ग फॉर्मेट प्लेयर है। और ऐसे देशों में, हमारे देशों में क्या होता है ना कि टॉलरेंस लेवल यानी जो कहते ना पेशेंस बहुत ही, संयम बहुत ही कम है। तो अगर एक प्लेयर एक मैच में परफॉर्म नहीं करता है तो हम एक सर्टिफिकेट दे देते हैं कि वो खराब प्लेयर है, जो सेलेक्टर्स भी घूम फिर के वही करते हैं, दो मैच में परफॉर्म नहीं किया तो इसलिए आपका वो इन आउट का सिनेरियो आता है। एब्सोल्युटली, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट के इनेट इश्यूज है इनके बारे में एक 3 घंटा वाला एपिसोड हम बाद में कर लेंगे लेकिन अभी हम मूव इन करते हैं हमारे जो बेस्ट 11 के बॉलर्स के बारे में बात करें। कार्तिक, आपने ये काफी क्लियरली मेंशन किया कि ऑब्वियसली बॉलिंग में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों के चार बॉलर फास्ट बॉलर्स हैं और तीनों के तीनों जो है पाकिस्तान के। अभी इनमें से जो एक डेफिनेट पिक है वो है शाहीन शाह अफरीदी। अब ये शायद स्टार्टिंग 11 में रहेंगे सबके, अगर आप हेड टू हेड भी खेल रहे हैं, ग्रैंड लीग भी खेल रहे हैं, कोई भी कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी को आप लेंगे। जिस तरह से वो गेंदबाजी करते हैं और ऐसा लगता है कि हाँ विकेट लेंगे लेकिन एक एक डिलीवरी वो डालते हैं विच आर एब्सोल्यूट थंडरबोल्ट्स, कि कोई भी बल्लेबाज वहां होता तो बीट हो ही जाता। जिस हाइट से गेंद करते हैं, जिस तरह से क्रीज को यूज करते हैं, और जो सबसे मुझे बेहतरीन बात लगती है शाहीन शाह अफरीदी की, कि वो कितना जल्दी अडैप्ट करते हैं, पहले 2 ओवर के बाद क्विकली समझ जाते हैं कि स्विंग है कि नहीं, बाउंस है कि नहीं, और उस हिसाब से फिर पूरा अपना स्पेल जो है बड़े आराम से निकालते हैं। डेथ में भी बेहतरीन है इन टर्म्स ऑफ हिज चेंजअप्स, तो शाहीन शाह अफरीदी को तो आप रखेंगे, और तो और बल्लेबाजी भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, छक्के वक्के भी मार लेते हैं। जी हाँ, इनके होने वाले ससुर से तो थोड़ा बहुत ट्रेनिंग ले भी रहे होंगे। Absolutely. और इनके साथ डेथ बॉलिंग ज्यादा से ज्यादा करने वाले हैं हारिस रोफ, क्योंकि अब इनको भी एक तरह से अब कहा जा रहा है कि अब ये यंगस्टर नहीं रहे हैं, अब इन्होंने देख परख लिया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट क्या चीज है, मुझे क्या करनी चाहिए, मैं क्या लेंथ डालता हूं तो मुझे मार पड़ती है, और मैं क्या जब स्टंप्स पे पर एकदम फुल डालता हूं तो मुझे विकेट मिलती है। तो हारिस रोफ भी थोड़े अभी सीख के आए हैं वापस, तो मैं कहूंगा आप इनको भी रखे। एक प्लेयर जिससे मुझे थोड़ी तकलीफ है यहाँ पे, और वो है मोहम्मद हसनैन। इसीलिए देखिए इनका एक्सपेक्टर बहुत ऊपर है क्योंकि इनकंसिस्टेंसी है। मैं मोहम्मद हसनैन को इसलिए प्रिफर नहीं करूंगा, जब पहला गेम आप देखते हैं कोई ओडीआई सीरीज का या टेस्ट सीरीज का, तो आप चाहते हैं कि आपके बेस्ट प्लेयर्स जो है, मोस्ट कंसिस्टेंट प्रेडिक्टेबल प्लेयर्स आप ले। इसीलिए मैं अपनी सेफ टीम में मोहम्मद हसनैन को नहीं रखूंगा, अगर रखूंगा तो एक हाई रिस्क टीम में रखूंगा जहां पे मुझे फिर तकलीफ ना हो कि अगर उनका एक खराब दिन रहे तो मेरे पास कोई दूसरा प्लेयर रहेगा तो शायद चल जाएगा। लेकिन सेफ टीम, हेड टू हेड टीम में शायद मैं मोहम्मद हसनैन को ना रखूं। इनके जगह पे मैं डेफिनेटली अगर एक लेग स्पिनर का ऑप्शन मुझे मिलता है तो मैं श्योरली रखूं, और वरना तो अगर इंग्लैंड की बात करें तो पहले तो इनके बारे में बात कर देते हैं। कार्तिक, साकिब महमूद के बारे में कैसे देखते हैं? इंग्लैंड सोच रही है कि इनकी जो डेथ बॉलिंग इश्यूज है वो शायद साकिब महमूद से सॉल्व हो जाए क्योंकि इनके पास एक स्लिंगी आर्म है। जी देखिए, इंग्लैंड के पास तो मतलब मैं क्या ही कह सकता हूँ, कोई ऑप्शन है नहीं, तो किसको भी ट्राई कर सकते हैं। एक मैट पार्किंसन भी है, उन्हें भी वो ट्राई कर ही सकते हैं। सो दे आर शॉर्ट ऑफ ऑप्शंस क्लियरली। और जो प्लेयर जिन्होंने अभी रिसेंट पास किया, थोड़े कभी भी उन्होंने कुछ भी इंटरनेशनल खेला हो, वो सबसे पहले प्लेइंग लेवल में आने के ज्यादा चांसेस रखते हैं सिंपली बिकॉज उन्होंने उस लेवल में खेला है। तो साकिब महमूद नॉट बैड, 8.5 की क्रेडिट है, 8.2 की फैंटेसी गली रेटिंग है। अगर ये फॉर्मेट को देखें, लिस्ट ए और ओडीआई को पकड़कर लास्ट 10 मैचेस में तो 44 पॉइंट्स दिए हैं, सो डेफिनेटली नॉट अ बैड ऑप्शन एट ऑल। मैं सिर्फ आपके हसनैन वाले बात पे थोड़े दो राय पे हूँ, बिकॉज चलिए आप मान लिए ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के बीच में मैच हो रहा है, तो आप एक ऑस्ट्रेलियन टीम के प्लेयर है या कप्तान है, तो आपको जहन में तो एक फीलिंग होगी ही कि हम तो ये मैच जीतने ही वाले हैं, अनलेस एंटिल वी आरसेल्व्स अपने पैर पे हथौड़ा मारे। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान भी ऐसे कुछ एक सोच में रहेगी। मैं ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा, कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ कि हम ये मैच जीत सकते हैं। तो ऐसे में व्हाट आई वुड सजेस्ट कि अगर मैं कैप्टन रहूंगा तो अफरीदी को तो डेफिनेटली ले, लेकिन हसनैन को मौका जरूर दे क्योंकि वो छोटा है, बढ़ रहा है, यंग है, तो सीखेगा। वो ऐसे ही सीरीज है जहां पे वो सीख सकता है, सो व्हाई नॉट आप हारिस रोफ को एक दो मैचेस के लिए रेस्ट कर दे फिटनेस के तौर पर, और चेक कर ले कि क्या मोहम्मद हसनैन
इंप्रूवमेंट के कगार पे है, क्योंकि याद रखें ये क्वेटा ग्लैडिएटर्स में थे और सरफराज अहमद ने इनकी काफी तारीफ की थी जब पाकिस्तान सुपर लीग में खेल रहे थे। तो मोहम्मद असलम को आप रख सकते हैं, लेकिन एक प्लेयर है हसन अली, अब उनकी क्रेडिट भी देखिए 8.5 की है, तो इन्हें आप कंसिडर डेफिनेटली कर सकते हैं क्योंकि ये बैटिंग भी करते हैं, 7.5 की फैंटेसी गली रेटिंग भी है, 32 पॉइंट इन्होंने ऑन एंड औसत दिए हैं। सो दिस इज वन ऑप्शन यू कैन डेफिनेटली कंसिडर, और टू ऑप्शन रादर इफ यू वॉन्ट उस्मान कादिर एज वेल, मोहम्मद हसनैन एज वेल एंड हसन अली। और मैं तो यही मानता हूँ कि ये जो फैंटेसी सीरीज है, ये सीरीज ओडीआई सीरीज एंड T20 सीरीज भी बोलिंग ज्यादा डिक्टेट करने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान फॉर अ चेंज शायद उनकी मिडिल ऑर्डर की बैटिंग ज्यादा आएगी ही नहीं इस सीरीज में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ऊपर से ही रन बन जाएंगे जैसा हमें लग रहा है, और जिस तरह की इंग्लैंड की भी टीम है अब ऐसा लग नहीं रहा कि वो जो पहले वाले टीम थे जहां पे 6-7-8 से भी बल्लेबाज आके आपको मैचेस जिता दे, यहां पे शायद वो बहुत कम हो, और वो होप करेंगे कि उनका भी टॉप ऑर्डर थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और चलता बने विनिंग की राह पे। चलिए कार्तिक, यहाँ पे बात करेंगे हम कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस के बारे में। उससे पहले फिर से बता दूं कि आपको ये कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस और दुनिया भर की जो बाकी क्रिकेट है वो सबकी एनालिसिस आपको फैंटेसी गली के वेबसाइट पर मिल जाएगी। वहां पे जाए, हमारा ऐप डाउनलोड करें, और जैसे ही आपको ये वीडियो दिखे हमारे यूट्यूब चैनल पे उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि आपको अल्टीमेट फैंटेसी एनालिसिस मिलती रहे। चलिए कार्तिक, कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस फॉर द फर्स्ट ओडीआई, अगर सेफेस्ट पिक्स के बारे में मैं बात करूं सबसे पहले, तो देखिए बाबर आजम तो एक डेफिनेट पिक हो सकते हैं, आप उनको एज अ कैप्टन रख सकते हैं। क्या आप समझते हैं वाइस कैप्टन के लिए आपके पास थोड़े बहुत ऑप्शंस हैं? जैसे कि अब लोग बोलेंगे कि अगर मेरे पास बेन स्टोक्स का ऑप्शन है और मैं सेफ टीम में उनको लेता हूं और अगर उनको पिक करता हूं तो मेरे ख्याल से उनको वाइस कैप्टन रखना चाहिए। अगर आप वो फॉर्म वाला चीज छोड़ दे तो हाँ डेफिनेटली आप बेन स्टोक्स के साथ जा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो एक रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन पिक डेफिनेटली होगा। मैं समझता हूं अगर आपके पास मौका है कि आप शाहीन शाह अफरीदी को वाइस कैप्टन रखें तो ये आपको अच्छे पॉइंट्स दे सकते हैं, क्योंकि 2-3 विकेट तो ये लेंगे ही, ऐसा दैट्स द वे आई लुक एट इट। तो एक आपके पास टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज रहा और एक फिर एक नया बॉल या फिर जो भी एक प्रीमियर बॉलर रहा, जिस तरह से आप सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन पिक रख सकते हैं। कैसे देखते हैं आप इन दोनों पिक्स को, और अगर थोड़े रिस्की पिक्स के बारे में बात की जाए तो कौन नाम्स होंगे? जी बिल्कुल सही फरमाया आपने, वेरी सरप्राइज कि शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन वाइस कैप्टन पिक्स के सजेशंस में नहीं आ रहे हैं। इनफैक्ट इंग्लैंड है तो सबसे पहला नाम उनका ही आना चाहिए क्योंकि वो अभी के वजीम अकरम हो गए हैं अपने साइड के लिए। रिस्की पिक्स, मैं तो बेन स्टोक्स को प्लेइंग 11 में रखने के खिलाफ हूँ, तो कैप्टन और वाइस कैप्टन तो दूर की बात है। नॉट दैट ही वोंट परफॉर्म, सिंपली बिकॉज इंजुरी है, अब इंजुरी बॉडी इंजर्ड होती है तो थोड़ा मुश्किल होता है कंसिस्टेंसी का। फखर समान यस, क्योंकि ओडीआई सिर्फ ओडीआई की अगर मैं देखूं तो लास्ट 2 ओडीआई में उन्होंने 2 शतक जड़ाए हैं और एक में तो ऑलमोस्ट दोहरा शतक जड़ाया था, दक्षिण अफ्रीका के अगेंस्ट 193 मारे थे उन्होंने और नेक्स्ट मैच में फिर से सेंचुरी लगाई 101, तो वो फॉर्म में है, वो आपके सेफ पिक एज ए कैप्टन डेफिनेटली हो सकते हैं। रिस्की पिक्स में वाई डोंट यू गो फॉर उस्मान कादिर और शादाब खान, सिंपली बिकॉज हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने वाली टीम को लेग स्पिन खेलना आता नहीं, इनएक्सपीरियंस सिंपली, ले तो आप उन्हें टीम में रख सकते हैं और ये शायद आपके डिफरेंशियल पिक्स भी बन सकते हैं। इनके अलावा आप इंग्लैंड की तरफ से मुझे नहीं लगता आप किसी को कैप्टन या वाइस कैप्टन रख सकते हैं। डेविड मलान एक ऑप्शन है, बट अगेन बहुत बहुत ज्यादा क्राइटेरियाज डिपेंड करेंगे कि क्या इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही है, इंग्लैंड चेस कर रही है, ओवरकास्ट कंडीशंस है क्या, बारिश है क्या मैच में, वो सब में। तो हाँ, मलान के फॉर्म के हिसाब से आप एक रिस्की पिक एज अ कैप्टन रख सकते हैं। बिल्कुल, मैंने जिस तरह से आपको कहा कार्तिक कि मुझे जिस तरह की जेम्स विंस की माइंडसेट लग रही है, मुझे लग रहा है कि वो शायद अपनी विकेट नहीं थ्रो करने वाले हैं अगर इफ ही रियली वांट्स टू सीमेंट हिज प्लेस, क्योंकि यही एक मौका है। देयर इज नो वे दैट जेम्स विंस विल प्रोबब्ली स्टार्ट इन द टॉप 3 ऑफ द बेस्ट पॉसिबल इंग्लैंड बैटिंग लाइनअप, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन है और अगर उनको वो चाहते हैं कि अपना नाम वो यहाँ पे बनाए तो उनको सिर्फ मतलब 50-60 नहीं करने, उनको बड़े 100 करने होंगे,
और जो कि मुमकिन है, जो कि उनमें एबिलिटी है। तो अगर आप एक ग्रैंड लीग की टीम खेल रहे हैं तो वहां पे एक पंट आप प्ले कर सकते हैं जेम्स विंस के ऊपर, कि अगर वो अपना जो सेम दमखम रखे और फिर वो एक बड़ा स्कोर लगाए, द सेम सॉर्ट ऑफ अ पंट यू विल बी प्लेइंग ऑन फखर जमान, क्योंकि लेकिन शायद फखर जमान के ऊपर आप थोड़ा ज्यादा भरोसा कर सकते हैं रादर देन जेम्स विंस, क्योंकि उन्होंने हाल ही में ऐसा कुछ किया है। चलिए कार्तिक, ये थे हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन ऑप्शंस, ये थे आपके मल्टीप्लायर्स, और होपफुली आपकी पूरी टीम चले, न सिर्फ आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन ऑप्शंस। राइट देन, ये सीरीज एक्साइटिंग होने वाला है, हम ट्राई करेंगे कि ये पूरी सीरीज की एनालिसिस आपको हर मैच के लिए देते रहें यूट्यूब चैनल पे। एक्साइटिंग होने वाला है बिल्कुल, एज अ पाकिस्तान फैन एक्साइटिंग डेफिनेटली है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एज एन इंग्लैंड फैन आप अगर सेम प्लेयर्स को देख के बोर हो गए हैं तो आप यहाँ पे सेम प्लेयर्स नहीं देखेंगे, बहुत सारे नए प्लेयर्स देखेंगे आप। जी हाँ बिल्कुल, तो ये थी इस मैच के लिए अल्टीमेट फैंटेसी एनालिसिस। बाकी सारी अल्टीमेट फैंटेसी एनालिसिस जो दुनिया भर की क्रिकेट है वो मिल जाएगी आपको फैंटेसी गली पे। चलिए फिर, अंटिल नेक्स्ट टाइम, फ्रॉम कार्तिक, बाबूशीष एंड द एंटायर फैंटेसी गली टीम, इट्स अ गुड बाय।